हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखिए मैं अभी क्या करने जा रही हूँ, शाम को आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो आपको वीडियो में दिखाती हूँ मैं। अब देखिए मैंने भुट्टा खरीद कर लेकर आई हूँ, तो अभी मैं शाम को पकाने जा रही हूँ। यहाँ बारिश काफ़ी हो रही है तो भुट्टा खाने का मन किया, तो सोचा चलो मैं भुट्टा आज लेकर आती हूँ। मार्केट गई थी तो भुट्टा लेकर आई हूँ। देखिए हमारा भुट्टा कितना अच्छा मतलब निकला है, बाकी सबका तो पता नहीं कि कैसा निकलेगा, लेकिन देखती हूँ मैं, छील कर दिखाती हूँ सारा। फाइनली उसे भुट्टा बहुत ही अच्छा निकला है, इसका दाना देखिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं इसे गैस पे ही पकाऊंगी, उस पे कोयले पे नहीं, गैस पर। तो गैस पे उतना अच्छा नहीं पकता, लेकिन हाँ खाने लायक पक जाता है। तो चलिए फिर पकाते हैं इसे। देखिए मैंने तीन रख दिया है, अब मेरा भुट्टा धीरे धीरे पकेगा। तो सर्दी के मौसम में भुट्टा खाने का अपना ही मजा है गाइस, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए हमारा भुट्टा आधा पक चुका है, अभी और आधा पकना बाकी है ताकि अंदर से कच्चा न रहे। देखिए मेरा भुट्टा अब पक गया है गाइस, तो मैं इस पे ना अभी आप देख सकते हैं मैंने नमक लिया है और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है, मिक्स किया। अब इसमें थोड़ा सा नींबू मैं ऐड करके हल्का सा डालूंगी नींबू, और इसको मैं इसमें लग गया मेरा। अब इसमें मैं इस भुट्टे पे सारे पे करके लगा दूंगी चारों तरफ से मैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी भुट्टा तैयार है। तो बारिश के मौसम में आप भी घर पर पकाइए भुट्टा और खाइए, क्योंकि इसका अपना ही मजा है भुट्टे का। तो मैं सारे में कर दूंगी, थोड़ा सा नींबू भी आप इस पे निचोड़ लें, यूं यूं करके जो भी है। तो इस तरीके से मैं सारे पे लगा दूंगी। तो देखिए मैं सारा पे भी करूंगी ऐड इस पे, सारे पे देखिए। तो रेडी हो चुका है, बहुत ही यम्मी। इस पे नमक और नींबू और लाल मिर्च का मैंने जो लगाया है, देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी बनाइए, खाइए भुट्टा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही कुछ कुछ नया नया चीज़ बनाकर दिखाऊंगी आपको, कभी भुट्टा तो कभी वेजिटेबल्स, कभी किसी चीज़ का रेसिपी। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो पर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।